हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और हमारे यूट्यूब चैनल डॉट अल्टीमेट केयर में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा, होगा क्या। आज मैं आपको पारवो वायरस के बारे में पूरी डिटेल से समझाऊंगा। पारवो वायरस होता क्या है, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं और इसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं और अपने डॉग को इससे बचा कैसे सकते हैं। इसलिए आपसे आशा करते हैं आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखेंगे और पूरा ट्रीटमेंट अच्छी तरह से समझकर आप अपने डॉग का ट्रीटमेंट अपने घर पे ही कर पाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए पारवो वायरस एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है जो 3 महीने से 9 महीने के पपी में आती है। इसके आने के बाद पपी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, जो कि उनकी बॉडी के अंदर वाइट सेल्स होते हैं उनको ये खत्म कर देता है और पपी 3 या 4 दिन में मर जाता है। इसके जो अर्ली साइंस होते हैं वो पपी आपको इसके किसी पारवो डिजीज के डॉग के संपर्क में आने के बाद में शो करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इसके सिम्टम क्या कहते हैं, सबसे पहला सिम्टम होता है इसका वोमिटिंग, जो डॉग वोमिट करता रहता है। दूसरा सिम्टम होता है लूज मोशन, लूज मोशन के साथ जब डॉग के लूज मोशन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड आने से उसके अंदर जो चाहतें होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है इसकी। और उसमें जो फीवर होता है डॉग का, वो फीवर कभी कम रहता है कभी ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा रीजन डेथ का कारण फीवर ही बनता है। हम उस टाइम पर अपना डॉक्टर फीवर नहीं चेक कर पाते, पता नहीं कर पाते फीवर लो है या ज़्यादा है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने डॉक्टर पारवो वायरस हो जाता है और उसका ट्रीट आप घर पे कर रहे हैं, वेटरिनरी आपके पास नहीं है, तो उसको आपने उसका फीवर डेली दिन में 3 या 4 बार चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, लेकिन बस उसको खाली आप ट्रीट कर सकते हैं घर पे। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो डॉग की नस होती है, वाइंस बोलते हैं जिसको, उसमें आपको ग्लूकोज लगाना आना चाहिए। सबसे मेन बात, अगर आपने ग्लूकोज लगा लिया तो आप उसका ट्रीटमेंट घर पर बिल्कुल आराम से करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ आपको इसमें यूज कौन सी मेडिसिन करनी है। सबसे पहले आपको चाहिएगी आरएल की, जो ग्लूकोज आती है ड्रिप बोलते हैं जिसको हम, जो ग्लूकोज आती है आरएल की ग्लूकोज ले लीजिए। उसके साथ में मेट्रोजिल 100 ml वो ले लीजिए। तो दूसरा, अब उसके लूज मोशन रोकने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए पेंटाप्रोजोल, ठीक है, यानी पेंटोप की जो मेडिसिन आती है उसको आप बाज़ार से ले आइए। उसकी एक पूरी बनवा लीजिए, उसको 2 बार मीटर इंजेक्ट करिए। जो भी इंजेक्शन दिए जाएंगे वो ग्लूकोज के द्वारा ही दिए जाएंगे। दूसरा, इसकी वोमिट रोकने के लिए वोमिट्राइंड नाम का एक इंजेक्शन आता है, वो आप यूज कीजिए। वो दो टाइम लगेगा, एक सुबह एक शाम को। फिर बात करते हैं जो उसकी एंटीबायोटिक में आपको देना क्या है। एंटीबायोटिक में आप इसको अमीटासिन भी दे सकते हैं, टैक्सिन भी दे सकते हैं, जो आपके यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है आप वो दीजिए इसको। उस अमीटासिन की जिसको 2 डोज लगेगी, 1 डोज सुबह लगेगी, 1 शाम को लगेगी। जो कंटिन्यू कोर्स होगा 6 दिन का कोर्स होगा, जिसमें आपको सुबह भी ग्लूकोज देनी है और शाम को ग्लूकोज देनी है। हाँ, इतना ध्यान रखना आपको आधी ग्लूकोज सुबह देनी है, आधी शाम को देनी है, वही ग्लूकोज नहीं। ऐसा नहीं करना आप एक ग्लूकोज को पूरा एक दिन में एक टाइम में दे दें। और दोस्तों, इसकी विटामिन में इसका आपको जो इंजेक्शन देना उसका नाम है न्यूरोकाइंड प्लस। हाँ दोस्तों, ये इंजेक्शन आपको इनको सुबह से 1 टाइम सुबह देनी है, 1 टाइम शाम को देनी है। इससे आपका डॉग, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, लेकिन 80% चांसेज रहते हैं आपका डॉग अगली साइन पकड़ने के बाद में, आपने ये ट्रीटमेंट उसका किया तो 80% आपके डॉग की रिकवरी के चांसेज बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके डॉग को बीमारी कभी आए ना ही, तो उसके लिए आपको प्रॉपर उसकी जो वैक्सीनेशन होती है वो करवा लीजिए। अगर आप उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर कंप्लीट होगी तो 90% चांसेस रहेंगे आपके डॉग में पारवो वायरस नहीं आएगा। अगर आएगा तो सर्वाइव कर लेगा। दोस्तों, आज आपको हमारी वीडियो लगी कैसी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और बहुत ही अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइम पर पारवो वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।